यस स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास से बेटा हमने मिड टर्म एग्जाम डिस्कस करना शुरू किया था। ए पार्ट आपसे डिस्कस कर लिया था मैंने लास्ट क्लास में। आज बेटा मैं स्टार्ट करने लगी हूँ बी पार्ट। बी पार्ट का आज सेक्शन 3 हम डिस्कस करेंगे। बी पार्ट सेक्शन 3, जिसमें आपके 2 मार्कर 10 क्वेश्चन आने होते हैं, राइट? 10 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, और इनमें 3-4 में चॉइस भी है बेटा, तो इनको डिस्कस करते हैं आज। आपका फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्कर का आया था बेटा, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप आपको भी लगा है। बट कहां मिस्टेक की है थोड़ी सी, वो हम देखेंगे बेटे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 गिवन है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, राइट? दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3, प्लस माइनस भी आना है साथ में। आपको बोला हुआ है बेटे, एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर है तो एक्स आपका प्लस माइनस ए होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इज पॉजिटिव, ठीक है? तो आप प्लस माइनस दोनों लेंगे जब आप स्क्वायर से रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है? और दिस इटसेल्फ इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। आयोटा ये स्क्वायर रूट से बाहर आना है। कॉमन मिस्टेक जो रही आपकी, प्लस माइनस नहीं लिखा कई बच्चों ने, और कईयों ने ये आयोटा अंदर ही कर दिया बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, बी केयरफुल, बी केयरफुल। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, तो हम जब इसे लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ओके, सिंपल टू गेट। फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 36 एंड 58। एपी का क्वेश्चन बेटा, डायरेक्टली हमने याद कर रखा है अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स क्या होता है, एवरेज। एवरेज वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 94 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 47। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे बेटे 2 मार्क्स में भी आपके, देखिए जस्ट लाइक 1 मार्कर क्वेश्चन है पहला भी और ये भी आपका, ठीक है? यस, 20th में ही ऑप्शन में आया था ये क्वेश्चन बेटा। द फोर्थ टर्म ऑफ इट जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमिन इट्स 7th टर्म। पहला वाला पार्ट ही नो डाउट सिंपल है बेटा इससे, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग जस्ट टू कैच फ्रॉम अवर मिस्टेक्स। फोर्थ टर्म ऑफ इट जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट सेकंड टर्म, जीपी की बात कर रहे हैं बेटा। जीपी अगर हम ले लेते हैं फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ए आर क्यूब, यहां से हम पढ़ पा रहे हैं ना कौन सी टर्म है। फोर्थ टर्म इज ए आर क्यूब, दिस इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, ये गिवन है बेटा। और फर्स्ट टर्म गिवन है हमें -3, ये गिवन है, ठीक है? ये गिवन है। अब यहां सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटा, दिस इज ए आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर, वी नो दैट ए इज -3, हम उसे पुट कर देंगे बिल्कुल। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर ले जितना कर सकते, इंडिसेस का रिजल्ट यूज कर रहे हैं बेटा। ए आर होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर यही रखे, ए को ट्रांसपोज कर दिया डिवाइड, आर स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दिया, अब अगेन इंडिसेस का रिजल्ट आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर इज आर एंड दिस विल बी ए, ठीक है? इंडिसेस के सिंपल रिजल्ट, आर इज ए, दैट मीन्स आर इज -3। 7th टर्म क्या हो गई, 7th टर्म है हमें बतानी है बेटे, 7th टर्म विल बी ए आर पावर 6, दैट मीन्स -3 पावर 7, क्योंकि ए भी -3 है आर भी -3 है बेटे, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव, दिस विल बी 2187, राइट? पहला सिंपल था नो डाउट, बट ये भी आना चाहिए आपको, ठीक है? जब हम एक बार थोरली रिवाइज कर रहे हैं क्या क्या हम रिकवर कर सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है बेटा और नंबर लाइन पर शो भी करना है। इनइक्वालिटी सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल बेटा,
बिल्कुल सिंपल, 3x ऑन वन साइड, 2x वी हैव ब्रॉट टू द लेफ्ट साइड, लेस देन 1 प्लस 2। डू रिमेम्बर बेटा ये साइन नहीं चेंज होना, क्योंकि हमने सिर्फ जो ऐड हो रहा था उसे सब्ट्रैक्ट किया, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था उसे राइट साइड ऐड किया। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब साइन अपोजिट होता है। डू रिमेम्बर बेटा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड, हम ट्रांसपोज करते हैं सिंपली प्लस माइनस वाली टर्म्स, वो नहीं होता। यहां से 2x हम लेके सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया है, यहां से माइनस 2 ले जाके हमने दूसरी साइड सिर्फ ऐड किया है, ठीक है। साइन चेंज होगा, ये नहीं कि ये 2x को नेगेटिव कर दिया तो साइन चेंज होगा, नो। जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव 1 मैंने लिखा है, नेगेटिव नंबर में नेगेटिव 1 को काउंट कर रही हूं, नेगेटिव कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब साइन चेंज होगा। बी केयरफुल, यहाँ साइन नहीं चेंज होना था बेटे, जो कुछ बच्चों से मिस्टेक हो गई है। दिस इज एक्स लेस देन 3, सिंपल टू गेट, बट इसे नंबर लाइन पर भी शो करना है आपने। नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, लाइन खींच लीजिए बेटा, लाइन खींच लीजिए और मिडल में 0, राइट में 1 2 3 4, इक्वल डिस्टेंस पे आप स्केल से लेंगे लेंगे डेफिनेटली ये इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। -1 -2 -3 -4, जहां तक आप नंबर लाइन में बना सकते हैं। 3 पर स्ट्रिक्ट है बेटा, स्ट्रिक्ट मतलब 3 इंक्लूड नहीं है, सर्कल बनाइए इस पर बिल्कुल, बट 3 इंक्लूड नहीं है। और सॉल्यूशन क्या है, लेस देन 3, दैट मींस ये जो लेस देन 3 में जितनी लाइन आ रही है बेटे, इसको आप स्केल से ही डार्क कर दीजिए, स्केल से ही डार्क कर दीजिए बिल्कुल। मैंने अभी बाय हैंड किया, आप स्केल से डार्क कर दीजिए, ये कहीं और नहीं बननी होती बेटे लाइन, यहीं पर डार्क करनी होगी, ठीक है। आपकी जब एक बार लाइन ड्रॉ करोगे पेंसिल से, दूसरी बार करोगे तो डार्क हो जाएगी। ये सिंगल टाइम ड्रॉ करो, फिर यहां से इस तक एक बार और फिर दीजिए, डार्क हो जाएगी, ठीक है। और ये सर्कल भी बिल्कुल दिखाना है, क्योंकि ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, एम्प्टी दिखाना है, ओके। चलिए, इफ ए इज द सेट विद एलिमेंट 2 4 5 7, बी इज द सेट विद एलिमेंट 3 4 5 8, C is the set with 4 7 8 9, then find A intersection B intersection C. No doubt बेटे ऐसा लिखा है और 2 marks में है, हम बिल्कुल 1 by 1 find out करेंगे। A intersection B मतलब A और B में common element, A और B में common element. Clear cut दिख रहे हैं बेटा, 2 common elements हैं 4 and 5, और इनका अभी intersection लेना है C से, जो कि ये है। आप बिल्कुल 1 mark में बिल्कुल ये देख रहे हैं, तीनों का इंटरसेक्शन ही है एक तरीके से, तीनों में जो कॉमन है वो लिख सकते थे 1 mark में, बट अभी 2 marks है, वी आर डेफिनेटली डूइंग पार्ट बाय पार्ट। इन दोनों का कॉमन देते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 4 8 digit है जो कॉमन है सिर्फ, ओके क्लियर। अदरवाइज 1 mark में होता यही, आप बिल्कुल सब में कॉमन देख के डायरेक्ट ले लीजिए, ओके। If x is an integer, then solve x by 3 greater than minus x by 2 plus 1. x integer दिया बेटा, इसमें कॉमन मिस्टेक ही यही रही, ये पढ़ना ध्यान करना भूल गए बिल्कुल। ये आपको सॉल्व करना आता है, मैक्सिमम ने सॉल्व किया, आप क्या करेंगे, x by 2 ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट में, और साइन नहीं चेंज होना प्लीज बेटा। कुछ बच्चों ने ये भी मिस्टेक किया है, साइन नहीं चेंज होना, नेगेटिव था राइट में, लेफ्ट में लेकर प्लस कर दिया उसे, सब्ट्रैक्ट हो रहा था प्लस कर दिया। जब नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तब हमारे को चेंज करना होता है साइन, बी केयरफुल। ये अब आपने एलसीएम लिया बेटे, 5/6 x आ गया। अब आप इसको 5/6 को ट्रांसपोज करोगे तो दिस विल बी 6/5 इन द राइट, ठीक है। इसको जब आप यहाँ राइट में ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड करेगा, डिवाइड को आप चेंज करोगे उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 6.5 एंड 6.5 इटसेल्फ इज 1.2, और इंटीजर्स कहाँ है बेटा, इंटीजर्स कहाँ है, x इंटीजर है, दैट मीन्स x विल बी 1.2 से ग्रेटर इंटीजर बेटे, 2
थ्री फोर फाइव ऐसे नंबर, और कहीं एंड नहीं है बेटा, एंडलेस छोड़ेंगे आप, ये स्किप हो गया बेटे कई बच्चों से। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बिल्कुल ये सॉल्व कर दिया, बट ये सॉल्व करना सिर्फ 1 मार्क का था, 1 मार्क का ये था, आपके हाफ कट गए। ठीक है, बी केयरफुल, हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़िए, कंप्लीट। एक्स इंटीजर है, रियल में कहा होता तो भी आप इसको इंटरवल में लिखते हैं बेटे, इंटरवल में सिखाया हुआ आपको। ओके, चलिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स माइनस वन। डोमेन है स्केयर रूट एक्स माइनस वन का। डोमेन क्या मतलब बेटे? डोमेन वो एक्स की वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। ठीक है, वो एक्स की वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, दैट इज जस्ट थॉट प्रोसेस ऑफ यू। अब एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन डिफाइंड हो, दैट मीन्स स्क्वायर के अंडर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों नेगेटिव नहीं आना चाहिए? वी आर डीलिंग विद रियल फंक्शन, और स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव आ गया तो रियल फंक्शन नहीं रहे ना, तो x माइनस वन हमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए बेटा, दैट मीन्स x इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, तो डोमेन ऑफ f इज नथिंग बट सेमी ओपन इंटरवल विच इज क्लोज फ्रॉम वन एंड ओपन फ्रॉम इंफिनिटी। वन से बड़े सभी रियल नंबर्स, ठीक है, वन से ग्रेटर सभी रियल नंबर, तो क्लोज होगा वन पर और इनफिनिट पर ओपन। ठीक है, ये लिखना मस्त है बेटे, डोमेन पूछा है, प्रॉपर आपका सेट होना चाहिए। इंटरवल क्या है? सेट है, रियल नंबर का सबसेट। ठीक है, तो यहाँ जो लॉजिक था बिल्कुल अगर आप स्किप हो गया है तो ध्यान रखिए बेटे, स्क्वायर रूट के अंडर जो फंक्शन होता है वी आर टेकिंग, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी डिफाइंड होगा स्क्वायर रूट फंक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट। सिकनम फंक्शन डेफिनेशन थी सिंपली बेटा, आपको याद है नहीं याद है, याद दिला देती हूँ। सिकनम फंक्शन किसको कहते हैं? ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल फंक्शन डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे हुआ? एफ एक्स इज इक्वल टू वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इज जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इज माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो, सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड हुआ। अगर आपको याद हो तो इसकी बेटा कॉम्पैक्ट डेफिनेशन हमने ये की थी। जब ये ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव, एक्स बाय एक्स हो जाएगा वन, और जब लेस देन जीरो है नेगेटिव माइनस वन, तो ये भी लिख सकते थे। बिल्कुल दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों रियल फंक्शंस हैं आपके। ये पूरी एक्सपेंड करके लिख दिया हमने स्प्लिट फंक्शन, और ये हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है, दोनों लिख सकते थे, बट नीड ही नहीं हुई क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, ज्यादा तो मोस्टली बच्चों ने वो ही किया है। यस, गिवन दैट एन इज इक्वल टू दिस सेट, सेट क्या है बेटा? नेचुरल नंबर्स का, लेकिन 100 तक। देन राइट द सबसेट ऑफ एन, अब इस एन के सबसेट लिखने हैं बेटा, हुज एलिमेंट्स आर इवन नंबर्स, एज अ सबसेट जो इवन नंबर्स हो जिसके एलिमेंट, एंड द सबसेट ऑफ एन हुज एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर। यहां पर कुछ बच्चे सबसेट वर्ड से कंफ्यूज हो गए बेटा। सबसेट वर्ड मतलब आपने जो नया सेट लिखना था वो इसी के एलिमेंट्स लेने थे, ये नहीं कि उसके एलिमेंट खुद सेट्स होंगे। यहाँ पर कुछ बच्चों ने सेट लिखा है बेटा, इवन वगैरह तो सब समझ गए। देखो फर्स्ट में आपका क्या आना था, जो सबसेट था, सीधा सबसेट लिखूंगी मैं, इवन थे तो यहाँ से 2, 4, 6, 8, बट ये भी ये नहीं था कि आप 50 नंबर लिखोगे बेटा, 100 के 50 तो 50 बन जाएंगे ना, 50 नंबर नहीं लिखोगे आप लास्ट के 2-3 लिख दीजिए। ठीक है, ये बनना था फर्स्ट, इसमें कोई सेट नहीं आना था। कुछ बच्चों ने इस ढंग से लिखा, सबसेट से पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गए, मे बी शायद उनकी स्टडी उतनी अच्छी नहीं रही। सबसेट अब ये देखो क्या है बेटा, इसके सारे एलिमेंट इसमें है तो ये इसका ऑटोमेटिकली सबसेट है, इसका सबसेट है, ये नहीं कि आपने इसको सबसेट लिखना था, दैट वॉज रॉन्ग। ठीक है,
अब सेकंड सेकंड में आपसे इन्हीं में से एन में से ही परफेक्ट स्क्वायर उठा कर लिखने थे, एन के सबसेट लिखने हमने एक्चुअली, दैट मीन्स इतना था मतलब सिर्फ कि एन से एलिमेंट लीजिए, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर लेने थे, पहले इवन लेने थे, अब परफेक्ट स्क्वायर। और यहां से परफेक्ट स्क्वायर क्या है बेटे, जिन बच्चों ने कुछ ने सही लिखा, वन स्किप हो गया बेटे, वन भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, वन को वन स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर, नेक्स्ट इज नाइन, नेक्स्ट इज सिक्सटीन, ठीक है, वन टू थ्री फोर इनके स्क्वायर से आने आपके, और हंड्रेड टेन स्क्वायर, ठीक है। नो डाउट यहां पर आपके टेन ही थे नंबर, आप बिल्कुल लिख सकते थे उन्हें, बट आप एस सच भी लिख सकते हैं इतना भी, ओके। पहले में सिर्फ यहीं से हमने इवन नंबर्स पढ़ने थे और दूसरे में हमने परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़ने थे। जो मेन वर्ड था ये, वो सबसेट वर्ड से कंफ्यूज हो गए बेटे। सबसेट तो नेचुरली इसके देखो सारे एलिमेंट इससे हैं, तो ये इसका सबसेट होगा ना, ये सबसेट था हमारा। चलिए एनीवे, जो भी मिस्टेक हुई हम फाइनल के लिए लर्न करते हुए चल रहे हैं बेटा, फाइनल्स में ऐसी मिस्टेक ना हो। ये कंप्यूट करना था, मोस्टली नहीं किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटे, एवरीवन नोस। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 8 इज बिगर नंबर, हम उसे स्मॉलर में और 6 फैक्टोरियल इंटू चेंज कर दिया, एंड 2 फैक्टोरियल इज 2 इटसेल्फ, 6 फैक्टोरियल कैंसल। मोस्टली ने निकाला था ये, मोस्टली ने कैलकुलेट किया था, है ही सिंपल बेटा, है ही सिंपल। आपका पेपर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आया था बेटा, बहुत सिंपल, जैसे आप इतने टाइम बाद एक थोड़ा सा फ्लो में आए थे। 10th से 11th में ट्रांसिशन होता है, थोड़ा एडजस्टमेंट में देर लगती है, और आपके एडजस्टमेंट वाकई क्योंकि ऑनलाइन एनवायरनमेंट में सब स्टडीज हुई तो आपका वो ध्यान रखा गया, बिल्कुल पेपर इतना टफ नहीं था। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ एन पी फोर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन पी फोर इज इक्वल टू 5/3। देखो बेटे, इसको बिल्कुल आप ऐसे कर सकते थे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस फोर मतलब एन माइनस फाइव फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। इसे सॉल्व करते आप, ठीक है, एन फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और उधर से एन माइनस फोर फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं एन माइनस फोर इंटू एन माइनस फाइव फैक्टोरियल इंटू एन माइनस फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। साथ साथ हमने रेसिप्रोकल भी कर दिया, और साथ साथ क्योंकि एन माइनस वन और एन में एन बड़ा है तो हमने उसे स्मॉलर फैक्टोरियल में चेंज कर दिया, एन माइनस फोर एन माइनस फाइव में एन माइनस फोर बड़ा है तो उसे हमने स्मॉलर में चेंज कर दिया, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया, और सिंप्लीफाई किया बेटा इसे आपने, एन अपॉन एन माइनस फोर इज इक्वल टू 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20, दैट मीन्स 20 इज इक्वल टू 5n माइनस 3n, दैट मीन्स 2n, राइट, 2n इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 20/2, दैट इज 10, ओके, n इज इक्वल टू 20/2, दैट मीन्स 10, ओके। बिल्कुल ऐसे ही मोस्टली ने किया है बेटा, बट इसको आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रख सकते थे बेटा, आपको बोला एन पी आर एन एन माइनस वन कितने फैक्टर, आर फैक्टर, इस ढंग से भी सिंप्लीफाई कर सकते थे बेटा। आपका क्या था एन पी फोर, दैट मीन्स एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, फोर फैक्टर, और डेनोमिनेटर में n माइनस वन से स्टार्ट करना था, n माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर लेने, यहां भी फोर फैक्टर थे, जो आपका सबस्क्रिप्ट आना है उतने फैक्टर स्टार्टिंग से, ये शॉर्टकट आपको सिखाया हुआ बिल्कुल कैलकुलेशन के लिए, तो बिल्कुल इसको भी यूज कर सकते थे। ये फैक्टोरियल के भी कंफ्यूजन कई बच्चों को हो जाते हैं, जब आपके वेरिएबल फॉर्म में लिखा कौन सा छोटा बड़ा, तो वो भी मिस हो जाता है बिल्कुल बेटा, ठीक है, ये और सिंपल बन जाता बेटा, जस्ट सी, एन माइनस थ्री कैंसल, एन माइनस टू कैंसल, एन माइनस वन कैंसल, एन अपॉन एन माइनस फोर, सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते, आपका आंसर सेम आ गया ना, अब तो ये अब आपका सेम आ गया, आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो इसे, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट
कि आप इससे करें बेटे, और सिखाया भी है मैंने आपको। कोई सिखाने का कोई फायदा नहीं बेटा अगर आप यूज ना करें। ये छोटे छोटे शॉर्ट टिप्स आप यूज करें, बिल्कुल यूज करें, ये ध्यान रखें। मोस्टली ने फैक्टोरियल फॉर्म में ही किया है, बट बहुतों की गलती भी हुई है बेटे, सिर्फ यही जज करने में कि कौन सा बड़ा किसको छोटे में बदलना। ठीक है, तो इट्स बेटर फैक्टोरियल स्टार्टिंग से भी हटा सकते थे, आपको ये शॉर्टकट बताया होगा। तो ये टिप अगर अभी तक नहीं सीखा तो बेटे बिल्कुल इसको सीख लीजिए और इसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। NC9 इज इक्वल टू NC8, फाइंड NC17। यस, इसमें भी बेटे मुझे बहुत लगा क्या किया बहुत बच्चों ने, एन फैक्टोरियल, नाइन फैक्टोरियल, एन माइनस नाइन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, एट फैक्टोरियल, एन माइनस एट फैक्टोरियल, चेंज कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है बेटा ये दे आपसे। आप भूल गए एक रिजल्ट, 4 NCR इक्वल टू PQ की टर्म्स में बताया था, PQ की टर्म्स में ध्यान रख लीजिए। एक फ्लो में रहता है PQ, बस NCP इज इक्वल टू NCQ इफ P इज इक्वल टू Q, या तो ये इक्वल हो, और P प्लस Q इज इक्वल टू N, P प्लस Q इज इक्वल टू N, इसको यूज करना था बेटा। ये बेशक रिजल्ट स्टेट करते हैं, देयर फॉर NC9 इज इक्वल टू NC8 इम्प्लाइज N इज इक्वल टू 9 प्लस 8, दैट मीन्स 17। वाई यू आर यूजिंग डेफिनेशन ऑफ NCR, ये रिजल्ट यूज करिए बेटा। ये भी प्लीज अपने टिप्स पे कर लीजिए, नहीं है तो बेटे N17 आ गया, और देखो क्या फाइंड आउट करना था आपने, NC17, दैट मीन 17C17 क्या होता है, 1, NCN इज 1। सिंपल टू गेट, इसको एक एक पेज भर रखा है बेटा इस कैलकुलेशन के कारण बच्चों ने। नो नो डाउट आपने किया है, हमने चेक किया है, 17 आया, जिनका प्रॉपर दिए हैं मार्क्स, जिनका जहां तक सही है दिए हैं, बट वाई टू वेस्ट सो मच टाइम जब हमारे पास है उसकी शॉर्ट ट्रिक। ये रिजल्ट ध्यान रखिए ना बेटा, एनसीपी इज इक्वल टू NCQ होता है ओनली इफ या तो P और Q इक्वल हो जाए, या NP प्लस Q हो जाए। उसको सिंपली यूज किया, 8 और 9 तो क्लियर कट दिख रहा है बेटा, इक्वल नहीं है, डेफिनेटली N विल बी 9 प्लस 8। ओके, 17 17 C 17 इज 1। ओके, तो इसको बिल्कुल टिप्स पे लाइए बेटा अपने, ये रिजल्ट आप लिख लीजिए, और ये यहां पर क्वेश्चन में भी ऐसे ही मेंशन करना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6, वेर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स। आई डोंट नो वाई बेटा कुछ बच्चे क्यों कंफ्यूज हुए इसके इक्वालिटी में, आपको क्लियर कट बता रखा है बेटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी। सिंपल इतना सा कंसेप्ट यूज होना था। अब ये लेफ्ट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने उनका रियल पार्ट रियल के इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल करना था, बस सिंपल। ओके, क्या होना था इक्वल होने से, 4x इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, जहां आयोटा नहीं है रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, 4x इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। बस यहां से कैलकुलेट करना था, x इज 3/4 एंड यहां से y आ जाना था बेटा 3x प्लस 6। कैलकुलेट कर दीजिए, 3 × 3/4 प्लस 6, दैट मीन्स 9 प्लस 24, 33 33/4। देयरफॉर x इज 3/4 एंड y इज 33/4। सिंपल आंसर निकल गया। ओके, नो डाउट हमारी प्रैक्टिस में ही कुछ कमी रह जाती है बेटे जब हम इतना सिंपल रिजल्ट स्किप करते हैं। बिलीव मी आपका पेपर बहुत सिंपल था बेटे, बहुत सिंपल था, बहुत और अच्छा स्कोर कर सकते थे, नो डाउट अच्छा स्कोर किया भी है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, सेक्शन बी पार्ट बी सेक्शन 3 हमने डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।